हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रविवार की रात में दिल्ली से गोरखपुर पहुंचे कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ 3 लोगों का रिपोर्ट आया नेगेटिव। मंडल आयुक्त ने दी जानकारी, कहा बढ़ाई जाएगी चौकसी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 के दृष्टिगत बैठक। जनपद में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय जांच के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने की अपील, लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोग बेझिझक करें 9450439754 नंबर पर फोन, रखा जाएगा आपका नाम और पता गोपनीय, आपके घरों तक पहुंचेगा भोजन और राशन। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और डीआईजी राजेश जी मोदक ने किया महवा मंडी और कान्हा उपवन का निरीक्षण, कहा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साफ सफाई के दिए निर्देश। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा, कहा प्राइवेट हॉस्पिटल की सूची करें तैयार जिससे जरूरत पर लिया जा सके उनकी सेवा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभिन्न निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की बैठक। मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को काम देने के दिए निर्देश, कहा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कराया जाए अधूरे कार्य को पूरा। डीएम और एसएसपी ने किया सहजनवा क्षेत्र का भ्रमण, शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की कराई चेकिंग, कहा कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाए पूरी तरह पालन। मंडलायुक्त ने किया गीडा का निरीक्षण, बैठक कर उद्योगों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार चलाने के दिए निर्देश, कहा मजदूरों के रहने की व्यवस्था करे उद्यमी। गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग ने शुरू किया जर्जर तार, विद्युत पोलों को बदलने का काम। अधिशासी अभियंता ने कहा बढ़ाई जा रही है ट्रांसफार्मर की क्षमता जिससे लोगों को मिल सके निर्बाध विद्युत आपूर्ति। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती बरतने के साथ साथ महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। कोरोना संक्रमण को रोकने और पहचान करने के लिए सदर तहसील में 5 जगहों पर एसडीएम सदर ने स्थापित करवाया आरोग्य सेतु ऐप का बूथ। तहसील में आ रहे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने की अपील। विद्युत उपभोक्ता अब कर सकते हैं अपने बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान, अधिशासी अभियंता ने कहा घर में रहे सुरक्षित रहे। महवा मछली मंडी में मंगलवार को मछलियों के आवक के साथ बिक्री हुई शुरू, अलग अलग दामों में बेची गई मछलियां। और मंगलवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर दी गई सजा। एडीएम सिटी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील।